दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आप लोग को पता है कि कार्टून वीडियो जो है ना बहुत ही ज्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चे जो है ना प्रेजेंट टाइम में कार्टून वीडियो बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दबा के वाचिंग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं एक ऐसा चैनल लेकर आया हूँ कि अभी तक यूट्यूब पे वो चैनल बना ही नहीं है, अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो की स्किप मत करिएगा और वीडियो पसंद आने पे एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है, मैं आप लोग को कई तरीका बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो खेल कर और उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके किस तरह से करना है, किस तरह से खेलना है, किस तरह से उसको एडिट करना है, आज की इस वीडियो में आप लोग को सब चीज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखो भाई एक गेम है, ठीक है, मोटू पतलू। इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं आप लोग को लास्ट में वो भी बता दूंगा, क्योंकि भाई मोटू पतलू में बहुत से गेम ऐसे हैं जो कि आप लोग को पता होगा, लेकिन ये गेम जो है न्यू गेम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर इस टाइप का अगर चैनल आप ओपन करते हैं तो आपका दबा के व्यूज जाएगा। देखो भाई सबसे पहले आप लोग को गेम को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद अगर आप लोग के मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग अनेबल कर लीजिए, और नहीं है तो भैया आप लोग क्या करिए कि प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे लिखिए स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, वो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद गेम आप लोग को इस तरह से ओपन होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप लोग को प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेगर ने मूड लिखा हुआ है, मूड यहाँ पे जाना है, उसके बाद टाइम अटैक पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद अब ये आप लोग का गेम जो है वो ओपन हो चुका है, और आप लोग को इतना याद रहा भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको अनेबल रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गेम आ गया, तो ये पतलू है और बाइक चला रहे हैं। तो भैया देखो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप लोग को, 1 मिनट, 1.5 मिनट, ऐसे आप लोग को गेम खेल लेना है। मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ तरीका, और दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए यहाँ पे स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर देंगे ना तो लास्ट में आप लोग कहेंगे भाई ये मेरे वीडियो पे क्लेम आ गया। तो इसी की वजह से मैं आप लोग को एडिट करने का भी तरीका बताऊंगा कि आप लोग का क्लेम और स्ट्राइक ना मिले। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से दोबारा मुझे रिप्ले करना है, मैं फिर से रिप्ले कर देता हूँ। इसी तरह से आप लोग को 1-2 मिनट अनेबल करके ही रखना है और ऐसे ही खेलना है। ठीक है, बच्चे इसको बहुत ही ज्यादा इंटरटेनमेंट करते हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, करने के बाद इसको इधर से निकल देता हूँ, ओ यहाँ पे फिर मैं लड़ गया। इतना आप लोग को कर लेना है, मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका जो टाइमिंग है या स्टेप है जितना रख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो मान लेता हूँ मेरा हो गया, अब मुझे क्या करना है। तो भैया अब देखिए, अब मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुका है, अब बारी आती है जिसको एडिट करने की। तो भैया एडिट करने में ही बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बारीकी चीज है ना, तो आपका क्लेम या स्ट्राइक दे सकता है। तो चलिए आप लोग को मैं ले चलता हूँ काइन मास्टर पे। देखिए सबसे पहले आप लोग को अपने काइन मास्टर पे जाना है, काइन मास्टर पे जाने के बाद आप लोग को इस तरह का आइकन दिखाई देगा, न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रेशियो चॉइस करना है वो 16:9 का रेशियो चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्रिएट कर देना। अब मोबाइल को मैं रोटेट कर देता हूँ, मोबाइल रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह का आप लोग को आइकन दिखाई देगा, तो सिंपल से यहाँ मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है वही स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग को भाई यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है, कुछ चेंजिंग यहाँ पे करना है। जैसे कि मुझे ये गेम मैंने प्ले करा, मतलब वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे जब सिलेक्ट किया हूं, तो यहां पे मैं प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं जब तक ये मेरा स्टार्टिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहां पे मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूं, थोड़ा स्क्रॉल करके यहां पे यहीं पे रोक के उसके बाद यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। कैंची वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। ट्रिम टू लेफ्ट करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, सिंपल से इसी वीडियो पे टच करना है। टच करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे देख सकते हैं पेन एंड जूम लिखा हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इक्वल पर जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ जूम कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा और मैं जूम कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा और मध्य पे कर देना है, इतना पे थोड़ा ऊपर मैं कर दूँ यहाँ, तो इतना आप कर देना है। करने के बाद फिर दोबारा बैग जाना है, बैग जाने के बाद अब आप लोग को मैं यहाँ पे चला के दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इतना जूम हो चुका है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे जहाँ से मेरा गेम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहीं से मैं यहीं से क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कैंची का ऑप्शन दिखाई दे, इस पर जाऊँगा, और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे नंबर पे स्लिप्ट लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद अब मेरा यहाँ से अलग पार्ट हो गया, जब ये पार्ट अलग हो गया तो मैं फिर दोबारा इसी पर क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा, पेन एंड जूम पर करूँगा। फिर दोबारा इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ भाई, यहाँ पर थोड़ा और जूम कर देता हूँ,
ताकि YouTube कॉपीराइट क्लेम ना दे पाए। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे फिर बैग जाता हूँ, यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। गाड़ी आपको अवेलेबल रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेम आ गया, पतलू है और बाइक ला रहे हैं, क्या देखो यहाँ पे आप। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो बनके तैयार हो चुका है, लेकिन भाई थोड़ा सा और स्क्रॉल करके यहाँ पे कैंची वाले पे जाना है और स्लिप्ट कर देना है। फिर दोबारा थोड़ा सा और स्क्रॉल करके यहाँ पे जितना फालतू का पार्ट रहेगा आप उसको कट कर दीजिए। जैसे मेरा इतना ही मान लेता हूँ, इतना मेरा फालतू का पार्ट है ये, मैं आप लोग को बस बता रहा हूँ समझाने के लिए कि आप लोग को कैसे करना, आप अपने हिसाब से। इतना मेरा फालतू का पार्ट है ये, तो यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर दूंगा, तो ये बगल का पार्ट कट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर दोबारा यहीं पे आऊंगा और यहाँ पे फिर दोबारा स्लिप कर दूंगा। इसमें बीच बीच में थोड़ा सा कट लगा देना क्योंकि YouTube क्लेम ना दे पाए, ठीक है। और साइड में बीच में कहीं कहीं भी कट लगा देना, थोड़ा जूम कर देना है। ये मेरा वीडियो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब सिंपल से आप लोग को इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एरो वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो फ्रेम है आपका वो भाई 1080 पे ही रखिएगा, लेकिन जो ब्राइटनेस है ना वो 10 के अंदर में रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 8.36 पे MPS पे रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं अबाउट 65 MB का है, तो इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए सेव एज वीडियोज लिखा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे वीडियो मेरा सेव होने लगा। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आप लोग को अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च वाले आइकन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा मोटू पतलू, ठीक है। मोटू पतलू यहाँ पे सर्च करेंगे जब आप लोग, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का जो मोटू पतलू बाइक रेसिंग गेम लिखा हुआ है इसी को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग उसको एडिट करके जिस तरह से मैंने बताया अभी, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।